अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी आप लोग के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके, तो मैं आज बना रही हूँ कीमे की गुजिया, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, और ये बनती भी बहुत जल्दी और खाने में लाजवाब होती है। तो कीमे की गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैं पीस लूँगी चटनी, जिसमें है लहसुन, मिर्ची, जीरा, जिसको मैं मज़े से पीस लूँगी। फिर मैं ये लेती हूँ कीमा, जिसको मैं बॉयल करके हल्का सा पीस ली हूँ। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप के करीब रवा और 1-2 कप के करीब चावल का आटा। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी अजवाइन तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। फिर इसमें मैं गरम पानी डाल के एकदम अच्छे से आटे को मैं गूंद लूंगी। मैं ले रही थी एक कढ़ाई, फिर उसके बाद मैं वो रख दी थी। अब मैं हम कढ़ाई में ऐड कर दूंगी मैं तेल तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। फिर मैं तेल को होने दूंगी एकदम अच्छे से गरम। जब तेल गरम हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चटनी, चटनी जो हम पीसे थे लहसुन, मिर्ची, जीरा, वो चटनी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चटनी में नमक। हम ध्यान रखेंगे, हम आटे में भी नमक डाले हैं तो हम कीमे में उस हिसाब से नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। फिर नमक डालने के बाद इसको मिक्स कर लूँगी। तो नमक डाल के मतलब अच्छे से इसको मिक्स कर चुकी थी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कीमा। कीमा ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर देती हल्दी, जो इसकी मैं वीडियो लेना भूल गई थी। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैं आटा एकदम अच्छे से गूंद ली हूँ, आप देख सकते हो। और यहाँ हमारे कीमा भी तो अच्छे से हो चुका है, आप देख सकते हो, तो अच्छे से भुना चुका है। इसके अंदर जो भी पानी था चटनी का, वो भी अच्छे से सूख चुका है। अब मैं एक तरफ रख दी तेल हल्का गर्म होने के लिए, और इसको मैं इस तरीके से गोल गोल बेल ली थी। फिर इसके बाद मैं ऐड कर रख दी थी कीमा स्टफिंग। फिर उसके बाद एकदम अच्छे से इसको इस तरीके से पैक कर दूंगी। इसी तरीके से मैं सारा बना लूंगी, आप देख सकते हो। और एक तरफ मैं रख दी थी पानी गर्म होने के लिए, और पतीली पे मैं रख दी हूँ झरना। अब इसके ऊपर मैं रख दूंगी गुजिया, और इसको हम हल्का सा भाप लगा लेंगे ताकि तुम जैसे भाप हो जाए। और जब भाप लग चुका है, आप देख सकते हो, आप चाहे तो इसको फ्राई करके भी खा सकते हो, चाहे तो ऐसे भी खा सकते हो। मैं थोड़ा सा फ्राई कर ली थी और थोड़ा सा मैं इसको बॉयल ही रहने दी थी, भाप लगा हुई रहने दी थी, फ्राई नहीं की थी। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। और मेरी मज़ेदार कीमे की गुजिया बन के तैयार है। आई होप आप लोग मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।